मॉर्निंग दोस्तों, क्लास नाइन्थ के अंदर जो अपना पहला पार्ट है वो है भारत और उसके विज्ञान, भारत और उसका या भारत और उसका विज्ञान। इस पार्ट के अंदर अपन विज्ञान के बारे में पढ़ाई करेंगे। विज्ञान क्या है, जिसको हम बोलते हैं साइंस, साइंस क्या है, कैसे इसके अंदर अपन लोग काम करते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है, इनके बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा, क्रमबद्ध अध्ययन को, किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन हो, क्रमबद्ध का मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे अपन बात करें इस बोर्ड की, तो ये किसका बना हुआ है, इसके अंदर अपने क्या क्या चीजें काम करी थी, फिर अपने इसका कलर कैसा है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया, क्या अपने काम आता है, इन सब चीजों का अगर अपन क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं विज्ञान। किसी भी चीज के बारे में उसकी पहले अपन खोज करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसकी जानकारी लेने के बाद में उसको के बारे में कहाँ इसका उपयोग होगा, उपयोग होने के बाद में फिर इसको अपन देखते हैं। इन सब चीजों का अगर अपन स्टेप बाय स्टेप अगर अध्ययन करें तो उस शाखा को अपन बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर अपन निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं निर्जीव चीजों के बारे में, जैसे ये स्टिक है, ये बोर्ड है, ये दीवार है, ये सभी क्या है निर्जीव। निर्जीव मतलब वे चीजें हैं जो कि खुद श्वास नहीं लेती हो, तो श्वास नहीं लेती हो, जिनके अंदर खुद की ग्रोथ नहीं होती हो, जिनके अंदर खुद चलने की क्षमता नहीं होती हो, उनको अपन बोलते हैं निर्जीव। ठीक है, तो इन सब चीजों की यानी कि निर्जीव की अपन करते हैं फिजिकल साइंस के अंदर अध्ययन। फिर आता है अपन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के अंदर अपन जीवित की बात करते हैं, यानी कि जो चीजें जीवित हो, यानी कि जो स्वयं सांस लेने की क्षमता रखती हो, जिनके अंदर स्वयं चलने की क्षमता होती हो, जो स्वयं ग्रोथ करने की क्षमता हो, उन सब चीजों को अपन बोलते हैं जीवित। और सब जीवित चीजों की पढ़ाई किसके अंदर करते हैं अपने, लाइफ साइंस के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निर्जीव के बारे में, यानी कि फिजिकल साइंस के अंदर। फिजिकल साइंस में सबसे पहले आता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि परमाणु क्या होता है, ये दीवार होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, छोटे छोटे कण को अपन क्या बोलते हैं परमाणु एटम बोलते हैं, एटम के अंदर और क्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन सब का अध्ययन किसके अंदर आता है फिजिक्स के अंदर। फिर आता है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान, यानी कि कौन से विधियां क्या होती है, जैसे पानी का बनना, अपन एग्जाम्पल लें पानी का बनना, यानी कि अपने कहा कि हाइड्रोजन, अपन लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है H2O का, यानी कि दो मोल जब हाइड्रोजन का एक मोल ऑक्सीजन का मिलता है तो H2O यानी कि पानी का निर्माण होता है। इन सब चीजों का अपन अध्ययन करें किसके अंदर, अध्ययन रासायनिक विज्ञान के अंदर, यानी कि इन रिएक्शनों की जो क्रिया होती है रासायनिक क्रिया होती है उनके बारे में कौन बताएगा आपको, रासायनिक विज्ञान बनाता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है अपना जियोलॉजी, भूगर्भ के अंदर कैसा तापमान है, कितना प्रेशर होगा, मिट्टी कैसी है, कैसा उसका रंग है, ये सब अपन जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि विज्ञान के अंदर जो शाखा अपन बना रखी है वो क्या करती है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर आ गया, आपने केमिस्ट्री का पढ़ लिया, जियोलॉजी का पढ़ लिया, ऐसे अपन आता है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि अपन जब आसमान की तरफ देखते हैं तो अपन को स्टार नजर आते हैं, जिनको बोलते हैं तारे, देन ठीक है मून सन। ठीक है, कैसे मून होता है वो अपना रिवोल्यूशन करता है, सन होता है जो सूर्य जिसको हम बोलते हैं फिक्स रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर तरफ चक्कर लगाती है, प्लस अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। ठीक है ना, अपने एक्सिस पे और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी, कैसे दिन रात होते हैं एस्ट्रोनॉमी आपको बताती है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है, अपन कहते हैं कि कहीं पे भी चले जाओ मैथ्स के अंदर 2+2 = क्या होगा 4 ही होगा, यानी कि ये सब चीजें पता था उनको मैथ्स। अब अपन आते हैं जीवित चीजों के बारे में, ये तो सभी के किसके बारे में थे निर्जीव के बारे में, अब अपन पढ़ते हैं जीवित के बारे में। जीवित के अंदर आता है अपन लाइफ साइंस, लाइफ का मतलब होता है जीवन। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के अंदर बीमारियों के बारे में अपन पढ़ते हैं, जैसे खांसी जुकाम हो गई, बुखार हो गई, तो हम जो डिजीजें हैं जितनी भी बीमारियां होती हैं सबसे पहले मेडिकल साइंस के अंदर उनका क्या होता है परीक्षण किया जाता है। जैसे अभी वायरस, कोरोना वायरस चल रहा है, उससे पहले जुकाम बुखार की क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब इन चीजों के बारे में, फिर हुआ तो इसका निदान क्या है, कैसे अपनी इस बीमारी को निकालें, इनका सबका अध्ययन किसके अंदर होता है मेडिकल साइंस के अंदर होता है।
फिर आगे अपने बोटनी, पेड़ पौधे होते हैं अपने चारों तरफ घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, कैसा पेड़ है, कैसा वो ग्रोथ करेगा, क्या उसकी नेचर है, ठीक है ना, कहाँ उसको लगाएं, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको लगाएं, तापमान कितना चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये सभी अपन बॉटनी, पेड़ पौधों के बारे में किसमें अध्ययन करते हैं, बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है लास्ट का जूलॉजी आती है, यानी कि जीव जंतुओं के बारे में, ठीक है ना, सभी जीव जंतु किसके अंदर आते हैं, जूलॉजी के अंदर, यानी कि भेड़ बकरी घोड़े वगैरह हैं, ह्यूमंस भी इसी के अंदर आते हैं, अपन भी किसके अंदर आते हैं, जूलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अपन अलग अलग ब्रांच के अंदर पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो मेडिकल के अंदर बीमारी के बारे में आ गया, इनके अंदर पेड़ पौधों के बारे में आ गया, और इसके अंदर जीव जंतुओं के बारे में आ गया, ठीक है ना।